वेलकम अगेन फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक पोस्टमैन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टैक्ट सेटिंग के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कॉन्टैक्ट सेटिंग में ऐसी कौन सी खास बात है जो हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ गई मुझे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड का या किसी का भी कह लो, क्लोज फ्रेंड का या गर्लफ्रेंड का ही कह लो, उन्होंने 2-3 नंबर लिए हुए हैं, 2-3-4-5 नंबर हैं उनके, कुछ ऑफिस के हैं, कुछ होम के हैं, कुछ मोबाइल नंबर्स हैं, कुछ व्हाट्सअप नंबर्स हैं, तो उन्होंने अगर अलग अलग क्रिएट किए हुए हैं तो इस केस में दोस्तों हमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि अब हमने उनका नंबर जो है एक ही में सेव कर लिया है। अलग अलग तो सेव करते नहीं हैं, मान लो अपडेट्स करते हैं तो एक के अंदर हम 4-5 नंबर सेव कर सकते हैं एक कॉन्टैक्ट के अंदर। तो इस केस में दोस्तों जब हम उन्हें कॉल लगाते हैं तो दोस्तों कई बार जो होता है डिफ़ॉल्ट जो है नंबर हमें चाहिए होता है कॉलिंग के लिए वो नहीं मिल पाता है। तो अब हम उनके कॉन्टैक्ट में जाते हैं, फिर वहाँ से वो कॉलिंग वाले नंबर को सेलेक्ट करते हैं जब जाके हम उन्हें कॉल करते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना है, कैसे सेटिंग्स करनी है, डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट हमें बनाना है, किसी कॉलिंग वाले नंबर को डिफ़ॉल्ट बना देना है ताकि हम वन टच में जो है उनको कॉल कर सकें। तो ये आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। और दोस्तों, स्किप अगर आपने कर दिया तो आप प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि नए नए अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन में। तो आओ यारो, आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन में। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि जो हम मोबाइल कॉन्टैक्ट की सेटिंग्स है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे होते हैं बंदे जिसके 2-2, 3-3 नंबर अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हमें दोस्तों कई बार दिक्कत हो जाती है। जैसे कि खास करके सैमसंग के मोबाइल में, जैसे मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है तो उसमें दोस्तों हम जो है स्वाइप एंड कॉल का जो ऑप्शन आता है, स्वाइप करते हैं तो कॉल हो जाता है। तो इस केस में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है कि अब हमें उसका नंबर हमने सेव तो कर लिया है लेकिन जब हम स्वाइप करते हैं तो वो नंबर उसका व्हाट्सएप का होता है और वो कॉल लगता नहीं है। तो कई बार हमें अर्जेंट में दिक्कत हो जाती है, कई बार कोई इमरजेंसी है, बात करनी है, कोई अर्जेंट काम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे हम वो चीज़ हम इस जो है क्लियर इसको दूर करें, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और डायरेक्ट हमारी जो है कॉल लगे। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हम कॉलिंग वाले इसमें बटन में, और यहाँ पे एक दोस्तों जो है मेरे पास एक कॉन्टैक्ट है जिसमें भाई के 2 नंबर सेव हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये है हमारे एक दोस्त हैं निवानशु। अब दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि इस पर जब आई बटन यहाँ पे जो शो कर रहा है, आई बटन यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आई बटन में जाने के बाद अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 नंबर यहाँ पे ऐड हैं इसके। अब 2 नंबर ऐड हैं तो दोनों एक व्हाट्सएप और एक कॉलिंग के लिए। तो अब क्या करना है इसमें, हमें इसमें डिफ़ॉल्ट हमें एक नंबर को डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना है। अब डिफ़ॉल्ट सेट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जब इस हम कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं तो इसके नीचे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर एक नंबर शो कर रहा है, ये एक नंबर शो कर रहा है। तो इस नंबर पे जब हम टैप करेंगे तो यहाँ नीचे कुछ देख सकते हैं ऑप्शंस खुल के आ रहे हैं, निवानशु SBI का है और यहाँ पे जो 2 नंबर खुल के आ रहे हैं। अब इसमें कॉलिंग वाला कौन सा है, व्हाट्सएप वाला कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब कॉलिंग वाला अगर मान लो नीचे वाला है तो नीचे वाले पर टैप करके, या ऊपर वाला है तो ऊपर वाले पर टैप करके यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है सेट एज डिफ़ॉल्ट का। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेट एज डिफ़ॉल्ट, तो सेट एज डिफ़ॉल्ट पे जैसे ही अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट फ़ोन नंबर चेंज। यानी कि अब जब भी आप यहाँ से स्वाइप करेंगे, यहाँ पे जब भी आप जाके इसको कॉल करेंगे ऐसे करके स्वाइप करेंगे तो डायरेक्ट और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आपको व्हाट्सएप पे कॉल जा रही है, फ़ोन नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल आ रहा है या बिज़ी आ रहा है, जो भी आ रहा है तो डायरेक्ट कॉल लगेगी और आपका आसानी से जो भी आपका काम है वो बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो हो जाती है यहीं पे कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपकी जो क्वेरी हो, आपकी क्वेश्चन हो, जरूर कमेंट करें, तुरंत मैं उसका जवाब दूंगा। और दोस्तों हमारे सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म उनको भी फॉलो करें, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि नए नए अपडेट जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, अब आप हमसे जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। दोस्तों मैंने अपनी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, चाहे तो आप मेल करके हमसे कोई क्वेश्चन, कोई सवाल या कोई क्वेरी हो हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि अपडेट आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की टेक वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड
टेक केयर।